Now in this video we are going to study about the magnitude of a vector. Suppose vector A is 2i plus 3j minus k. So vector is written in the component form. This is the component form. Component form means in the form of I, j and k. Three directional. So, ये हमारा क्या है? एक वेक्टर है. इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? मॉड लिख देंगे, अंडर रूट लिखेंगे, ए का स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस के प्लस पर क्या है? माइनस वन का स्क्वायर, टू स्क्वायर फोर, थ्री स्क्वायर नाइन, वन स्क्वायर वन, नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस फोर फोर्टीन. सो रूट फोर्टीन यूनिट is the magnitude of a vector. Okay, this is the magnitude of a vector. So in this way we are able to find out the magnitude of a vector by using root and squaring of all the components. Okay. Next, kya hai unit vector? Unit vector kaise find out karenge hum log? Wo dekhiye. We have to find out the unit vector. अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर ए हो, ठीक है, टू आई जे टू के. ओके, इसका हमें निकालना है यूनिट वेक्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मॉडुलस, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड. टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो व्हाट वी गेट? 4 प्लस 1 प्लस 4, चार चार आठ एक नौ, अंडर रूट 9, दैट मीन्स 3. मॉड ए कितना आ गया? 3. मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 3. देयरफॉर यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर. सो व्हाट वी गेट? व्हाट इज द वेक्टर ए? 2i प्लस जे प्लस टू के अपॉन 3. तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया. सो इन दिस वी स्टडी अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट ऑफ ए वेक्टर. मैग्नीट्यूड आपको सादा मैग्नीट्यूड निकाल देना है. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये है, ए कैप इज इक्वल टू ए फैक्टर अपॉन मॉड ए. मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड. वेक्टर लिख देंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे अपॉन में, आंसर हमारा आ जाएगा. ओके, so in the next video we study about the dot product of vectors. Clear?